अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आ रहे हैं, सारे आ जाएं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास। मैम मेरी आज ना फर्स्ट क्लास है, मैंने आपको मेल भी की थी। सो मैम आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दी कि जो आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर पढ़ाया है? मैंने सबको सेंड कर दी हुई है, आप किसी से पूछ लीजिए, किसी के पास होगी तो आप हर क्लास के बाद में पूरी क्लास को सेंड कर देती होती हूँ ना, तो आप पूछ लें, अगर किसी क्लास में किसी के पास है वो आपको फॉरवर्ड करते हैं। बाकी LMS पे लेक्चर्स हैं। ओके मैम। और मैम ये ग्रुप किसी ने अगर व्हाट्सएप बनाया हुआ है तो इनको कहें कि बता दें, ऐड कर ले हमें भी। क्या चीज़? व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है तो हमें ऐड कर लें। व्हाट्सएप पे तो कोई ग्रुप नहीं मैंने बनाया हुआ है। जी मैम, मैम ग्रुप क्लास बाकी रिकॉर्डिंग्स पहला हफ्ता था, इस वजह से जो है साथ की रिकॉर्डिंग मैंने आपको ईमेल्स कर दी थी। LMS पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अभी सिर्फ लेक्चर अपलोड कर रही थी। अभी इस वीक के लास्ट में या मतलब अब जो है ना, हर चीज़ आपको LMS पर ही मिल जाया करेगी, इवन लेक्चर भी, और आपको रिकॉर्डिंग भी वहीं पर मिल जाया करेगी। रिकॉर्डिंग और सारा कुछ जो भी इस लेक्चर से रिलेटेड मटेरियल वगैरह होगा, बुक्स वगैरह तो मैंने आपको बता दी हुई है कि इसके लिए कौन सी बुक आपने लेनी है, और प्लस हर लेक्चर के फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ही मैंने लिखा होता है, मेंशन किया होता है कि आपको कौन सी बुक इस लेक्चर के लिए जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप बुक्स भी ले लो, जो मैंने आपको बताई थी बुशोंग की ना, वो वाली बुक ले लो आप। लेक्चर्स भी सारे उससे ही हैं, तो अच्छा है कि वो आप लोगों के पास वैसे भी बुक होनी चाहिए, बहुत अच्छी है। बीइंग अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, वो आपको सारी चीज़ें उसमें समझ आ जाती हैं, अगर किसी ने डिटेल पढ़नी हो तो। ठीक है, और थैंक यू मैम। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कि अभी हम लोगों ने दो ही लेक्चर कंप्लीट किए, उस वक्त तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन आप जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे ना, लेकिन अभी मैं सिर्फ अब आपको बता रही हूँ कि आगे अगर लेक्चर्स होंगे, लेकिन मैं आपको बता के पूछूंगी। मैं अब क्लास पार्टिसिपेशन के 10% मार्क्स रखे हैं मैंने, तो उस क्लास पार्टिसिपेशन में मैंने क्या करना है कि जो लास्ट के कुछ लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़े होते हैं ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक या दो क्वेश्चन कर लेती हूँ किसी भी बंदे से। ठीक है, इससे ये है कि कुछ जो होते हैं ना, जो सो रहे होते हैं क्लास में लेक्चर ऑन करके, और कोई पता नहीं लिख सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो इससे वो भी होश में रहेंगे। ठीक है, और किसी भी दिन मैंने किसी का भी नेम जो है ना अनाउंस करूंगी कि फॉर एग्जांपल कोई भी जो है ना अपना अनम्यूट करे, और मुझे लास्ट लेक्चर के एक या दो क्वेश्चन उनसे पूछूंगी, और उसके मैंने मार्क्स रखे हैं 10-20 इसी तरह मार्क्स। तो अगर जितना अच्छा वो आंसर देगा उतने अच्छे मार्क्स, और कितना अच्छा वो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्लास पार्टिसिपेशन के 10% मार्क्स में किसी भी दिन जो है ना लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन से सुन लिया करूंगी। ठीक है, तो गौर से सुना करो, एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स मैं पूछती भी हूँ, जो चीजें नहीं समझ आई हैं वो मुझसे दोबारा से पूछा करो, बट नेक्स्ट लेक्चर में अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ लास्ट लेक्चर का, तो वो आपको आंसर करना है। ठीक है, ओके मैम। चलो स्टार्ट करें, आ गए सभी, आ गए मेरा ख्याल क्या आधे आए आज। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, दैट इज ऑल अबाउट द एक्सरे प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। हम लोगों ने लास्ट दो लेक्चर्स में, पहले मैं तो सारी फिजिक्स पढ़ी थी, उसके अंदर एटम एंड जो उससे रिलेटेड हमारे पास एनर्जीज थी, हमारे पास इंटरेक्शंस थी, और एक्सरे प्रोडक्शन सॉरी एक्सरेज क्या होती हैं, और आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं, रेडिएशन क्या होती है, ऐसी बेसिक चीजें जो थी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। सेकेंड लेक्चर में हमने, जब एक्सरेज का हमें पता चल गया कि हमारे एक्सरेज प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ठीक है, मेन हमने सिर्फ एक बेसिक सी चीज पढ़ी थी, वो आज हम कंप्लीट इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कि एक्सरे प्रोडक्शन बेसिकली है क्या। थोड़ा सा पिछला भी रिवाइज हो जाएगा इस लेक्चर में, ठीक है, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, ये तो हो गया उसकी उसका प्रिंसिपल। फिर उसके अलावा हम लोगों ने कुछ पढ़े थे एक्सरे की इमेजिंग सिस्टम के, अगर एक्सरे रूम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से यूनिट लगे हुआ है वहां पे, और उसके अंदर क्या क्या हमारे पार्ट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं एक्सरे इमेजिंग सिस्टम के, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। उसमें ये था कि एक्सरे ट्यूब थी, एक्सरे जनरेटर था हमारे पास, हाई वोल्टेज जनरेटर जो कि एक साइड पे रूम में होता है,
जो उस रूम में हमें सामने चीज नजर आ रही होती है, डिजाइन एक तो एक्सरे रूम इस तरह किया जाता है कि उसकी वॉल के अंदर लाइट लगी होती है बिकॉज इट्स आयनाइजिंग रेडिएशन, और वो आयनाइज कर देता है जितनी हम लोग उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम लोगों ने करनी है, हमने अलारा को फॉलो करना है, हमने कार्डिनल प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट दो लेक्चर में कम्प्लीट की थी। ठीक हो गया, एक्सरे कंपोनेंट्स में हमने एक्सरे जनरेटर पढ़ा था, एक्सरे ट्यूब पढ़ी थी, और तीसरी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग कंसोल पढ़े थे, जो कि हमारे वहां पे हम लोग जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम लोग अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अगर वो पेशेंट ओबीज है या पेशेंट थिन है, या अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम लोगों ने कौन सा स्ट्रक्चर उसके एक्सरेस करने हैं, हम लोग उनके फैक्टर्स को सेट कर सकते हैं बाय ऑपरेटिंग द कंसोल। ठीक है, ऑपरेटिंग कंसोल के ऊपर हमारे पास क्या लगा, क्या कौन से हम लोगों के फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास केवीपी होता है एंड एमएस होता है, दैट मीन्स हमारे पास एक वोल्टेज है और एक करंट है। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसी के अंदर पढ़ा था कि हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो उसके ऊपर हमारा क्या इमेज के ऊपर क्वालिटी, वो आज वाले लेक्चर में भी थोड़ा सा वैसा है कि क्या क्वालिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, केवीपी या एमएएस को हम चेंज करने से कैसे क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आज का लेक्चर है एक्सरे प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होते हैं। ये तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी एक्सरे ट्यूब के अंदर एक साइड हमारी कैथोड साइड है, एक साइड हमारी एनोड साइड है, एक्सरे ट्यूब के अंदर जो कैथोड साइड है वहां से वोल्टेज के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो क्या क्या चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्रॉम द कैथोड इट विल मूव टूवर्ड्स द एनोड, एनोड हमारा पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं हमारे फ्रॉम द कैथोड टू एनोड मूव करेंगे, ठीक, उस इंटरेक्शन के फिर उस इंटरेक्शन से हमारे पास कुछ एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, मींस के जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंटरेक्ट करेंगे एनोड के साथ, ठीक है, एनोड में जो एटम है, एटम के अंदर जो हमारे इंटरेक्शन है वो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह इंटरेक्शन होती है और किस किस्म के एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो हो सकते हैं या तो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज या तो ब्रंस ट्रॉलिंग एक्सरेज। ठीक है, और एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रम, ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है, हम लोगों ने ये चीजें पढ़नी है। इंटरेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा से बस 3-4 स्लाइड्स में हमने रिवाइज करना है कि किस तरह हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे और किस तरह जो है वो उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द कैथोड टू द एक्सरे ट्यूब टारगेट, टारगेट कौन सा है हमारा, एनोड पॉजिटिव साइड। These interactions produce two types of X-rays, जो मैं अभी बताया, one is the characteristic and one is the Bremsstrahlung X-rays. These are described by the X-ray emission spectrum. ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ गई, आज का लेक्चर बड़ा इजी सा ही है जो कि हम रिवाइज ही एक तरह से कर रहे हैं कि किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, फिर से वही बात बार 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 ये बात रिपीट होगी कि एक्सरेज कैसे इंटरेक्ट करते हैं हमारे हाई वोल्टेज जनरेटर से, जो है वो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी वोल्टेज जो है वो हाई वोल्टेज जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड से निकलते हुए एनोड की तरफ जाएंगे। कैथोड के अंदर दो हमारे पास कंपोनेंट्स थे, एक इसका क्या था, फोकसिंग कप था, और एक फिलामेंट था। फिलामेंट्स जो थे वो एम्बेडेड थे फोकसिंग कप में। फिलामेंट जब हीट अप होते हैं, हीट अप होने से उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो फोकसिंग कप के थ्रू फोकस करते हैं टूवर्ड्स द एनोड। ये फोकसिंग कप का एडवांटेज था। ठीक है, फिर हमारे पास वो किसके साथ एनोड सॉरी एक्सरेस जो कैथोड से रिलीज होंगे उस तरफ वो बिल्कुल फोकस हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे टूवर्ड्स द एनोड। एनोड पॉजिटिव साइड है, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्शन से हमारे पास दो टाइप के एक्सरेस प्रोड्यूस होंगे, वन इज द करेक्टरिस्टिक एंड अदर वन इज द ब्रेमस्ट्रॉलिंग एक्सरेस। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं एक्सरे इमेजिंग सिस्टम में, व्हाट वर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, हमारे पास ऑपरेटिंग कंसोल था, हमारे पास हाई वोल्टेज जनरेटर था, हमारे पास एक्सरे ट्यूब थी। क्या करना है स्टेप बाय स्टेप अगर चले तो, सबसे पहले जनरेटर, जनरेटर ने वोल्टेज जनरेट किया। ठीक है, वोल्टेज हमारे एक्सरे ट्यूब में आया, ट्यूब में करंट है सॉरी ट्यूब में हमारे पास कैथोड साइड है, कैथोड से वही चीज दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, इंटरेक्ट करेंगे और हमारे पास एक्सरेज रिलीज होंगे। ठीक है, बट उन एक्सरेज को, उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन वोल्टेज को हम किससे कंट्रोल करते हैं, थ्रू ऑपरेटिंग कंसोल, के हमने कितना वोल्टेज रखना है, कम रखना है, कितना करंट रखना है, कम या ज्यादा, उसके अकॉर्डिंगली हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे ज्यादा या कम, और ज्यादा या कम से हमारे जो एक्सरेज हैं उसी तरह रिलीज होंगे, हमें एक्सरेज
ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए या ज्यादा क्वालिटी वाले चाहिए, तो वो अकॉर्डिंग टू हमने ये चीज पढ़ ली हुई है कि क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में कि कैसे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केवीपी और एमएएस. ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ, द सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड विद हाई काइनेटिक एनर्जी फोकस टू अ स्मॉल टारगेट एट एनोड. ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई है? अभी तक किसी को बात ना समझ आई हो, प्रिंसिपल मेन बेसिक प्रिंसिपल किस तरह हमारे एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं अभी तक ना समझ आई हो तो बताओ, तीन कंपोनेंट्स के थ्रू और किस तरह ये तीनों कंपोनेंट्स क्या क्या इनका काम है, जनरेटर का क्या काम है, ट्यूब का क्या काम है, ट्यूब के अंदर कैसे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके और एक्सरेज रिलीज करते हैं, ऑपरेटिंग कंसोल का क्या काम है, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनको चेंज करने से क्या होता है, केवीपी क्या होता है, केवीपी हमारा वोल्टेज है, एमएएस हमारा करंट है, उनको चेंज करने से कैसे क्वालिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी. ठीक है, अभी तक ये चीज समझ आ गई है? Yes, Now X-rays are created. Power is sent. वही चीज बार बार आप सुन रहे हो. Power is sent to X-ray tube by cable. ये अब step by step अब चलो. ठीक है, जनरेटर ऑन हो गया, आप मशीन ऑन हो गई है, पावर आपने सेंड किया है एक्सरे ट्यूब वाया केबल. MA is sent to filament on the cathode side. Filaments heat up होंगे. ठीक है, filament heats up. Electrons are produced. Negative charge electrons. ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज KVP इज अप्लाइड टू द एनोड. पॉजिटिव साइड कौन सी है, हमारी एनोड है. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड अक्रॉस द ट्यूब टू द पॉजिटिव एनोड. इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू द रेस्ट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड टारगेट बाय द फोकसिंग कप. अभी तक जो चीज मैंने आपको अपनी वर्डिंग में समझ आपको बताया वही चीजें इसमें लिखी हुई है, कोई चीज ना समझ आई है पूछो. ठीक है, आपको वर्डिंग में अपने बता दिए. अच्छा, अब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फिलामेंट जहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे आफ्टर हीट अप एंड द एक्सरे ट्यूब टारगेट, वो क्या है, एनोड. इनमें डिस्टेंस कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का. ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेज्ड फ्रॉम द जीरो हाफ द स्पीड ऑफ लाइट. पहले जीरो, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करता जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी फ्रॉम जीरो टू जितना भी हम लोगों ने उसकी स्पीड अप स्पीड रखनी है. ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. फिर से वही बात आ गई. ठीक है, रिपीट कर ले. प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट्स विद द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन की जो चीज मैं आपको वर्डिंग में समझा रही हूँ ना, यहाँ पे जब आपने मुझे एक्सप्लेन करनी है ना, या आपने मुझे आंसर देना है इन क्वेश्चन पेपर. ठीक है, आपने इस तरह का आंसर देना है अपनी वर्डिंग में, तो मैं आपको इसलिए समझाती हूँ कि आपको समझ आ जाए. जब आपने आंसर करना है तो इस तरह प्रॉपर वर्डिंग के साथ जो है ना मुझे आंसर करना है. So the projectile electrons interacts with the orbital electron of the target atom. This interaction results in the conversion of electron kinetic energy into thermal energy and electromagnetic energy in the form of infrared radiation, also heat and X-rays. That means जब interaction होता है anode के साथ, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे पास 99% जो है वो एनर्जी जो है काइनेटिक, ये काइनेटिक एनर्जी है ना जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट होती है. सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एक्सरेज. ठीक है, तो 99% जो है ना वो हमारी हीट में कन्वर्ट होते हैं और सिर्फ 1% जो है ना वो एक्सरेज में हमारे पास जो है वो कन्वर्ट होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी. समझ आ गई बात की, 99%. तभी तो हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ट्यूब फेलियर के अंदर हम लोगों ने ये चीजें बड़ी एहतियात करनी होती है कि हमने इतना केवी रखना है, इतना इतना एमए रखना है, उसके अलावा हमारी एक्सरे ट्यूब डिजाइन इस तरह से की जाती है बिकॉज इतनी ज्यादा हीट अप हो जाएगी कि हमारे 2-3 दिन के अंदर ही वो पूरी बर्स्ट हो सकती है एक्सरे ट्यूब. ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने क्या टंगस्टन मटेरियल यूज किया था क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था. ठीक है, ये सारी चीजें अब आपको समझ आ रही है ना, क्यों हमने टंगस्टन को यूज किया था, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था, हमारा इतनी ज्यादा हीट निकल रही है, 99% तो हीट ही है जब इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, ओनली 1% एक्सरेज आर प्रोड्यूस, और वो भी 1% एक्सरेज जो है वो हमारे, या तो आगे एक्सरेज की अगर टाइप देखें तो या तो वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगे या तो वो हमारे पास ब्रेन स्टॉलिंग एक्सरेज होंगे. अब इनको पढ़ते हैं. ठीक है, हीट अप, हीट कैसे प्रोड्यूस हुई है,
इट इज जस्ट ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. तो मोस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू हीट, जो कि हमने भी पढ़ा कि 99% जो है वो हीट होती है, सिर्फ 1% जो है वो एक्सरेज में कन्वर्ट होती है. सो द प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द आउटर शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट एटम बट डू नॉट ट्रांसफर इनफ एनर्जी टू द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन और टू आयोनाइज. आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर सिंपली रेज टू एन एक्साइटेड या हायर एनर्जी लेवल. इसका ये मतलब है कि हमारी मोस्टली जो 99% जो कन्वर्जन है वो हीट में है, वो इसलिए है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन हमारे एटम, वो जो टारगेट एटम है ना एनोड के, टारगेट एटम के साथ जब इंटरेक्ट करता है, ठीक है, मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट शेल जो हमारे ऑर्बिट के हैं उसको क्या करेंगे, इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती उनकी कि वो उनको जो है इतना ज्यादा एक्साइट करें कि वो ऑर्बिट से ही रिलीज हो जाए इलेक्ट्रॉन. हमने यही पढ़ा था ना कि हमने उसको रिलीज करना है. जब वो वापस दोबारा अपने ऑर्बिट में वापस आता है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, ठीक हो गया, वो हमने पढ़ा था. लेकिन मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं हमारे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज्यादा हीटअप कर देते हैं, ठीक है, कि वो इतना हीट करते हैं कि वो जो है एक्साइट तो हो जाते हैं बट वो वहां से ऑर्बिट से निकलते नहीं है, ठीक है, वो जो निकलते नहीं है वो जो एक्साइटेशन है वो हायर एनर्जी लेवल जो है उनका वो क्या कर, वो होता है वो हीटअप ही होता है, ठीक है, वो इतनी ज्यादा हीट ही, सिर्फ 1% जो है उनमें से हमारे पास एनर्जी इतनी ज्यादा होती है जो कि ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, जो कि एक्सरेज जो है ना हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं. ये बात की समझ आई है? मैम एक बार बता दें फिर दोबारा. हीट कैसे जनरेट होती है? हमने बात की है कि हमारे इस एक्सरे ट्यूब इंटरेक्शन के अंदर 99% हीट कन्वर्जन है. काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एंड ओनली 1% इज कन्वर्टिंग इनटू एक्सरेज, जो कि हमें यूजफुल है, जो हमें रिक्वायर्ड है, एक्सरेज ही हमें रिक्वायर्ड है इनके इंटरेक्शन से. तो वो ओनली सिर्फ 1% ही हमारे इंटरेक्शन, बाकी 99% हीट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इतनी ज्यादा हीट जो है वो कन्वर्ट होती है, ठीक है. उससे क्या कैसे कन्वर्ट होती है, इसका ये यहाँ पे इसमें बताया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन्स, जो बार बार हम बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड साइड से मूव करता है एनोड साइड, अब ड्यू टू द मूवमेंट वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो मूव कर रहा है एटम अपने एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड के साथ इंटरेक्ट करेगा. एनोड का जो एटम है, ठीक है, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है. हमने ये लास्ट में बात पढ़ी थी कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कि कोई एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को उनके ऑर्बिट से निकाल देती है, ठीक है, और वो जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने उसको स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करता है, तो वो एक्सरेज की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है. लेकिन उस ऑर्बिट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना इज जरूरी फॉर द एक्सरेज, ठीक है. लेकिन ऐसे होता है कि जो हमारे पास समझ लो कि 100 जो है ना इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, उनकी क्वांटिटी 100 थी, उनमें से 99% जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उन्होंने क्या किया है कि जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है ना उनको इतना ज्यादा एक्साइट तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन वो जो है ना उसमें से निकले नहीं है ऑर्बिट से, इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे एक्साइटेड हो रहे हैं हाई एनर्जी लेवल पे चले गए, बट दे आर नॉट रिमूव फ्रॉम द ऑर्बिट, ठीक है. वो क्या है, वो हीट ही हो रहे हैं ना, हीटअप हो रहे हैं. सिर्फ वन जो होगा ना इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, वो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, ठीक है, वो रिमूव करेगा, और वही इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने ऑर्बिट में आएगा तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एटम एक एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी जो होगी वो एक्सरेज की फॉर्म में होगी. और अदर जो 99% है जिन्होंने सिर्फ ऑर्बिट को एक्साइट ही किया है उसके इलेक्ट्रॉन्स को, दे आर कन्वर्टिंग इनटू हीट. सो द मोस्ट सो मोस्टली द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स. अब बात समझ आ गई है? यस मैम. चलो ठीक है, ठीक है. तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली ड्रॉप बैक टू इट्स नॉर्मल एनर्जी लेवल विद द एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. द कांस्टेंट एक्साइटेशन एंड रिटर्न ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द हीट जनरेशन. समझ आ गई? ये बात वही लिखी हुई है. मैम आपसे क्वेश्चन करना था. हाँ जी मैम, कि अगर 99% हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हम ग्लास या मेटल इनक्लोजर क्यों यूज कर रहे हैं? क्या चीज यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसका फंक्शन मैम ग्लास या मेटल इनक्लोजर जिसने हीट को, हीट के प्रोडक्शन को रोकना है ट्यूब के अंदर. ग्लास और मेटल इनक्लोजर, मेटल का मैंने बताया था ना आपको कितना, वो मेटल इस तरह का नहीं मेटल होता, वो मेटल इस यस मैम
इस मटेरियल का हम लोगों ने रखा होता है कि वो एक तो हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, हमारी जो ट्यूब है उसके अंदर उसको नुकसान नहीं देता, ठीक है। फिर उसके अलावा जब ये एवेपोरेट होते हैं, जो टंगस्टन है एवेपोरेट होके उसके जो पार्टिकल्स है ना वो हमारे ट्यूब के अंदर जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसकी लाइफ जो है इसलिए वो कम भी होना शुरू हो जाती है लाइफ। तो इस मटेरियल के हम लोगों ने ग्लास से बेहतर मेटल है, पहले ग्लास यूज होता था, अब मोस्टली मेटल यूज होते हैं, ठीक है, वो मेटल ही इस मटेरियल का होता है कि वो हमारी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ओके मैम, ठीक है। और मेनली हम लोगों का जो टारगेट है टंगस्टन है वो उसका ही मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि वो उस तक जाता ही नहीं है, ठीक है, वो मेल्टिंग पॉइंट वहीं पे जो है काफी एनर्जी जो है वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके मैम, ठीक है। अब आ गया हमारे पास करेक्टरिस्टिक रेडिएशन। अब हम लोग पढ़ते हैं, जब इंटरेक्ट तो कर लिया एटम के साथ, ठीक है, एटम के ऑर्बिट के साथ इंटरेक्ट तो कर लिया, अब एक्सरेस जो प्रोड्यूस हुए ना 1%, वो तो यहाँ तो करेक्टरिस्टिक होंगे वो ब्रेनस्टॉलिंग होंगे। पहले मैं आपको अपनी वर्डिंग में बता देती हूँ, फिर हम इनको रीड कर लेंगे। करेक्टरिस्टिक एक्सरेज वो एक्सरेज होंगे, देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का पढ़ा ना कि इलेक्ट्रॉन विल इंटरेक्ट विद द ऑर्बिट ऑफ ऑफ एटम, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो जब इनर ऑर्बिट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इनर मोस्ट शेल के साथ अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं और इनर मोस्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और वापस आ रहा है अपनी एनर्जी अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और जो एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, जो आपको इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स से एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज करेक्टरिस्टिक रेडिएशन। आगे बात समझ, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं, कुछ इनर मोस्ट शेल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमारे इनर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, और उससे जो एनर्जी हमारी रिलीज होगी और इससे एनर्जी हमारे पास जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे, दीज आर द करेक्टरिस्टिक एक्सरेज या करेक्टरिस्टिक रेडिएशन, ठीक। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है आगे थोड़ा सा चला जाए और न्यूक्लियस होता है हमारे ऑर्बिट से आगे दरमियान में न्यूक्लियस है ना, जो न्यूक्लियर फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हुए हमारे पास इंटरेक्शन से हमारे एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज ब्रेनस्टॉलिंग एक्सरे। दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जो इनर मोस्ट शेल के साथ इंटरेक्ट करके एनर्जी रिलीज करेगा दैट इज द करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है, और जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा वो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज करेगा और वो हमारे पास जो एक्सरेज होंगे वो होंगे ब्रेनस्टॉलिंग एक्सरे, ठीक हो गया। तो करेक्टरिस्टिक रेडिएशन को पढ़ ले आप, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन व्हेन विद एनर्जी हाई इनफ टू टोटली रिमूव एन इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट एटम, जो कि टंगस्टन मटेरियल का था, ठीक है। करेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फिल्स एन इनर शेल, ठीक है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, अब जो पिछला वाला जो आउटर वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो अगले वाले को फिल करेगा ना, केमिस्ट्री हमने पढ़ी हुई है ना ये सारी, ठीक है। जब वो रिलीज हुआ तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां से उठेगा और अगले वाले हमारे शेल में आएगा, ठीक है, वो वहां से उस इलेक्ट्रॉन जो हमारा ऑर्बिट खाली वाइट जगह है उसको फिल करेगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक एक्सरेज के फॉर्म में रिलीज होगी। अगर इस इमेज को देखें तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक। अब ये क्या है, ये डॉटेड लाइन क्या है, ये आ रहे हैं और आके इसने क्या किया है, इनर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है। अब जो आउटर वाला शेल है ना, ये वाला, ये अब इसने इसकी जगह फिल करनी है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है ना, ठीक, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब इसने मूव करके यहाँ आना है, तो जब ये मूव कर रहा है यहाँ आने, तो ये जो आपको रेड कलर की लाइन्स नजर आ रही है, ठीक है, या ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो आउटर मोस्ट शेल्स ने अगले वाले शेल को फिल अप करना है, और जो फिल अप करने पे वो मूव कर रहे हैं और वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की समझ आ गई? Yes, ma'am. अब हमें पता है शेल्स की, हमें पता है ना इनर मोस्ट शेल कौन सा होता है, के शेल होता है, फिर एल एम एन, ठीक है, ये शेल हम लोगों ने पढ़े हैं ना, ठीक। Yes, तो जो इनर मोस्ट शेल से एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारे पास इनर मोस्ट शेल के है ना, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं के करेक्टरिस्टिक एक्सरेज ऑफ द टंगस्टन आर यूजफुल फॉर द इमेजिंग, ओके, बिकॉज इनर मोस्ट शेल है ये, शेल की जो है ना इलेक्ट्रॉन नंबर तो आपको बस याद करने वाले हैं कि के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़े, बट द इनर मोस्ट शेल से जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, जो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, वो हमारे पास के करेक्टरिस्टिक एक्सेस है. पहले तो करेक्टरिस्टिक एक्सेस बताओ, ठीक है, एंड व्हाट आर के करेक्टरिस्टिक एक्सेस, तो आप लोग बता सकोगे. ठीक हो गया. अब आ जाओ ब्रेम स्ट्रॉलिंग रेडिएशन. जिस तरह मैंने अभी बताया कि एक तो आपको इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के साथ इंटरेक्शन से उनको प्रोड्यूस कर रहा था, वो करेक्टरिस्टिक था, और मैंने न्यूक्लियस के साथ आपको बताया अगर इंटरेक्ट करेगी रेडिएशन तो वो हमारे पास ब्रेम स्ट्रॉलिंग रेडिएशन थी. अब इसको पढ़ते हैं, अब आपको बात समझ आ जाएगी. Brem strolling is produced by projectile electron interacting with the nucleus of the target atom. बात समझ आ गई? कैसे? A projectile electron that completely avoids the orbital electron as it passes through a target atom may come close enough to the nucleus of the atom to come under the influence of the electric field. ठीक है? अब nucleus के around एक field है, nuclear field, जो हमारे पास electric field होती है. ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन उस फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था ना, उसकी मूवमेंट से जो मूव करता हुआ आ रहा था, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में. प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू. ठीक, एज द प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन पासिस बाय द न्यूक्लियस, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूक्लियस के, तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन, विल स्लो डाउन एंड चेंजेस इट्स कोर्स या डायरेक्शन समझ लो. ठीक है, लीविंग विद द रिड्यूस काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट डायरेक्शन. दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी रीअपियर्स एज एन एक्सरेज. फिर से अब इसको एक्सप्लेन करती हूं मैं. ब्रेम स्ट्रॉलिंग एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होंगे हमारे, जब इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करेंगे न्यूक्लियर फील्ड के साथ. ठीक है, अगली पिक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, साथ पिक्चर भी देखोगे ना. ये देखो, ये हमारे पास क्या था, ये सेंटर में न्यूक्लियस है. ठीक, ये हमारे पास क्या आ रही है, दो हमारे पास प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स आते 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 उन्होंने ऑर्बिट्स के किसी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छेड़ा. ठीक है, आके हमारे न्यूक्लियर फील्ड के पास, न्यूक्लियस के अराउंड एक फील्ड है. जब वो इसके पास आते हैं तो वो जिस स्पीड से आ रहे थे यहाँ फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हुए स्लो डाउन हो जाएंगे. ठीक है, स्लो डाउन होने की वजह से वो अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेंगे इधर. ठीक है, इस तरफ को, और या इधर को आएंगे और इस तरफ को डायरेक्शन चेंज कर लेंगे. ठीक है, ठीक, वो डायरेक्शन चेंज करने से हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रेम स्ट्रॉलिंग रेडिएशन या ब्रेम स्ट्रॉलिंग एक्सरे. दोनों का डिफरेंस अब आपको समझ आना चाहिए. वन इज फ्रॉम द इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड अदर इज ड्यू टू द न्यूक्लियस फील्ड, जो न्यूक्लियस के फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से स्लो डाउन होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रेम स्ट्रॉलिंग रेडिएशन. दो टाइप के अब हमारे पास एक्सरेज हैं. ठीक है, अगर मैं पूछूं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सरेज, तो आपने बताना देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज. नंबर वन इज द ब्रेम स्ट्रॉलिंग एक्सरेज, नंबर टू इज द करेक्टरिस्टिक एक्सरेज. हाउ दे आर प्रोड्यूस, ठीक है, तो आपने बताना करेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द इनर शेल. ठीक है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन विल फिल्स द इनर शेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फिल्स द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज. ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, ब्रेम स्ट्रॉलिंग एक्सरेज, द प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट्स विद द न्यूक्लियर फील्ड, इट विल स्लोस डाउन और उसकी वजह से दे विल चेंज इट्स डायरेक्शन एंड ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन they will release energy in the form of Brem Strolling X-rays. Okay, अब आ जाओ हमारे पास एक वर्ड है फिल्ट्रेशन का. फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है कि जब हम भी कोई किसी भी चीज को फिल्टर करते हैं, तो कोई चीज लगाते हैं ना, समझो हम लोग चाय भी अगर फिल्टर करनी है तो हमारे पास वो चाय वाली छाननी होती है ना, तो वो क्या करेगी, वो जो उसके जो कुछ पार्टिकल्स जो हमारे वो जो क्या उसको कहते हैं पत्ती के दाने होते हैं, वो उसको जो है वो छान लेगी और जो हमारे पास चाय है जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास सामने आ जाएगी. तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी कुछ फिल्टर लगे हुए हैं, फिल्ट्रेशन लगी हुई है. ठीक है, उनका क्या काम है, एडिंग फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड हार्डनिंग द एक्सरे बीम. ठीक है, इसका हार्डनिंग का क्या मतलब होगा, क्या करेगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी के एक्सरेज प्रोड्यूस, कोई लो एनर्जी के कोई हाई एनर्जी के, हमें जो रिक्वायर्ड है वो हाई एनर्जी एक्सरेज रिक्वायर्ड है. तो लो एनर्जी एक्सरेज होंगे वो क्या करेंगे, वो इधर उधर जो है इधर उधर रिलीज हो जाएंगे और वो हमारे पास क्या कहते हैं अनवांटेड एक्सरेज है. ठीक है, वो अब क्या करेगा, हम लोगों ने उन साइडों पे जो जा रहे हैं ना एक्सरेज, उनको हम लोगों ने फिल्टर करना है, उनको हम लोगों ने समझो खत्म करना है.
ठीक है, अब वो खत्म हो जाएंगे तो जो हाई कनेक्ट का हमारे पास हाई एनर्जी वाले एक्सेस हैं जो सेंटर में हमारे पास यूजफुल है वो क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा वो है ही सारे, उनकी एनर्जी ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा एनर्जी वाले जब सिर्फ रह जाएंगे तो वो हार्डन कर देंगे एक्सरेज के, ठीक है। इस बात की समझ आई है, एडिंग फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड हार्डनिंग द एक्सरे बीम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एवरेज एनर्जी। फिल्ट्रेशन मोर इफेक्टिवली एब्जॉर्ब लो एनर्जी एक्सरेज जो इधर उधर जा रहे थे एंड एक्सरेज देन हाई एनर्जी एक्सरेज, तो हाई एनर्जी एक्सरेज हमें यूजफुल है। फिर क्या है, करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इज नॉट अफेक्टेड एंड द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एक्सरे एमिशन इज नॉट अफेक्टेड। तो जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं जो कि हमें यूजफुल हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इफेक्ट नहीं होते फिल्ट्रेशन से। जो लो एनर्जी वाले हमारे से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं लो एनर्जी वाले, ठीक है, वही सिर्फ फिल्टर्ड होते हैं, उन्हीं को एब्जॉर्ब करती है फिल्ट्रेशन। Adding filtration to the useful beam reduces the X-ray beam intensity while increasing the average energy. ठीक है, क्वालिटी को वो इंक्रीज कर देगा, क्वांटिटी जो है ना उसको क्या करेगा कम कर देगा, बिकॉज हमारे पास लो एनर्जी एक्सरेज है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब किया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी एक्सरेज ही रह जाएंगे जो कि यूजफुल है, ठीक है, और वो क्या करेगा उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेगा जब भी हम एक्सरेज को परफॉर्म करेंगे। तो हमारे अच्छे एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए फिल्ट्रेशन का लगा होना बहुत जरूरी है। ये डिवाइसेस होती हैं कुछ हमारी जो कि मैंने आपको बताई थी, एक्सरे ट्यूब के अंदर भी लगे होते हैं, कुछ कॉलिमेशन भी लगे होते हैं और कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल साइड्स पर लगे होते हैं जो कि उसको फिल्टर कर रहे होते हैं। लोअरिंग द एम्पलीट्यूड एंड शिफ्टिंग टू द राइट। टारगेट मटीरियल तो हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, टारगेट मटीरियल जो एनोड का था वो टंगस्टन का मेनली होता है, ज्यादातर टंगस्टन का होता है, क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। द एटॉमिक एनर्जी ऑफ सॉरी एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट अफेक्ट्स बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द एक्सरेज। इंक्रीजिंग द टारगेट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द एक्सरे प्रोडक्शन एंड एनर्जी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड इंस्टॉलिंग एक्सरेज। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, एक तो उसका हो गया ना मेल्टिंग पॉइंट का, नंबर टू हो गया उसकी एफिकेसी। अगर जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उस टंगस्टन का 73 होता है, मैं इसमें डाउट हूँ, ठीक है, तो देख लो आप जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उसका ज्यादा होगा उसका तो उतनी ज्यादा हमारे पास एफिशिएंट एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और जितनी ज्यादा एफिशिएंट एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे वो ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रेमस्टॉलिंग एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे, ठीक हो गया। टारगेट एटम की समझ आ गई, टारगेट मटीरियल हम क्यों यूज करते हैं, एक तो हमने हाई एनर्जी हाई एटॉमिक नंबर का मटीरियल यूज करना है, दूसरा हमने हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटीरियल यूज करना है, ठीक है, तो दोनों हमारे उसके अंदर थे। अब इन फैक्टर्स को अगर हम इसमें पढ़ लें तो आप देखो कि करंट क्या था MAS और वोल्टेज क्या था KVP, जो कि हम लोग अपने ऑपरेटिंग कंसोल के अंदर हम लोग उसको चेंज कर सकते थे। तो क्या इनका रिजल्ट होता है, अगर हम करंट या MAS को जो है इंक्रीज कर देते हैं, एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी नो चेंज इन द क्वालिटी। करंट है ना, करंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ज्यादा प्रोड्यूस होंगे ना, ठीक है, वो क्या करेंगे इंक्रीज इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी में वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा करंट, लेकिन क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो तो आगे जाके उसने इंटरेक्शन उतने ही करनी है जितनी उसको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। फिर अगर वोल्टेज KVP वो अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मैंने बताया अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी बिकॉज लो एनर्जी वाले एक्सरेज उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे ना, तो हमारे पास सिर्फ हाई एनर्जी वाले रह जाएंगे, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी बस, बट उसकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमारे पास अच्छे वाले ही रह जाएंगे एक्सरेज जो कि प्रोड्यूस होंगे। फिर हमारे पास टारगेट एटॉमिक नंबर है, अगर वो इंक्रीज करेंगे जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे दोनों जो है वो इंक्रीज होगी, क्वांटिटी भी और क्वालिटी। और वोल्टेज रिपल अगर जो है उसके अंदर चेंज आ रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, समझ आ गए। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो हमारे पास ठीक है, अगर उसके अंदर वेरिएशन आ रही है वोल्टेज के अंदर तो वो हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इफेक्ट करेगा, समझ आ गई। आज की लेक्चर कंप्लीट हो गया है, छोटा सा लेक्चर था, थोड़ा सा रिवाइज ही किया है, बाकी हमने सिर्फ टाइप्स ही पढ़ी हैं, दो टाइप के एक्सरेज है उनकी कैसे प्रोडक्शन हो रही है, कैसे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक। और ये लास्ट हमारी जो स्लाइड है ना, ये हमारी एक्चुअली एक तरह से समरी है कि इनको चेंज करने से ये चीजें होती हैं। फिल्ट्रेशन हमने पढ़ ली, एटॉमिक नंबर हमें टारगेट का पता होना चाहिए, अभी तक हमने जो है वो सारा कुछ समझ लो फिजिक्स पढ़ ली हुई है, ठीक।
अब आगे हम चलेंगे उसके, अब एक्सरेस का हमने पढ़ लिया ना, एक्सरेस के क्या यूजफुल है, कहाँ कहाँ हम एक्सरेस को यूज करते हैं, वह इमेज कर सकते हैं, फिर उसकी पोजीशनिंग कैसे करते हैं वो सारे। लेकिन फिजिक्स अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया तीन लेक्चर में कि एक्सरेज, एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एक्सरेज प्रोडक्शन क्या होती है, एक्सरे इमेजिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारी फिजिक्स थी हमने ठीक है पढ़ ली हुई है अभी। और अभी तक जो चीज ना समझ आई हो तो मुझे बताओ, बेसिक आपके जो है वो क्लियर हो गया, बेसिक चीज पता होगी तो आगे अब आप जो है, जब आपको मैं कहूंगी कि चलो लंग्स का एक्सरे करना है, बताओ केवीपी कितना रखना है, ठीक है वो कुछ लिखे होंगे वो आपने याद करने हैं, ठीक, एमए कितना रखना है, फिल्ट्रेशन ऐड करनी है, तो आपको ये वर्डिंग की समझ तो आएगी ना कि केवीपी क्या था, करंट क्या था, एमए क्या था, फिल्ट्रेशन क्या थी, ठीक है, डिस्टेंस कितना रखना था सोर्स टू इमेज, ठीक है, ये सारी चीजें अब आपको फिजिक्स में पढ़ ली हुई है तो अब आपको आगे ईजी होंगी कि ये चीजें हमने, ये तीन लेक्चर इज ऑल अबाउट फिजिक्स, ये आपको अच्छे से आने चाहिए जो आपको पता हो कि एक्सरेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं। ओके मैम, ये वोल्टेज रिपल क्या है? हाँ जी मैम, वोल्टेज रिपल, वोल्टेज रिपल है, चेंज आ रहा है ना वोल्टेज, रिपल्स क्या होते हैं, रिपल्स देखें वेव के यूं रिपल्स बन रहे होते हैं, पानी के अंदर रिपल्स बन रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वोल्टेज रिपल का मतलब हो गया कि अगर वोल्टेज कॉन्स्टेंट नहीं है वो चेंज हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एक ही जैसा वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज ऊपर नीचे होने की वजह से क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिक्रीज हो सकती है, तो हमारा वोल्टेज ठीक होना चाहिए, ठीक है, पता चले पीछे से जो है हमारे, वैसे तो इतने बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं वहां पे एक्सरे का जनरेटर ही, तो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी रोल प्ले कर रही होती है, क्या आप पाकिस्तान में तो आपको पता ही है हमारे लोड शेडिंग का हाल, एक्सरे करते करते एकदम से वोल्टेज जो है डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो उसका मतलब है कि वोल्टेज रिपल मतलब कि वो चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं है, उसमें रिपल जा रहे हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं। ओके मैम, और कुछ ठीक है ना, बात की समझ आ गई, 10% आपकी क्लास पार्टिसिपेशन है, तो क्लास में होश में रहना, जो जो मैं पूछ रही हूँ, जो जो नहीं समझ आ रहा पूछते रहो, मैं यही चीजें बार बार अगले लेक्चर में यही चीजें पूछूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब अगला लेक्चर पढ़ना है, उससे पहले मैं पिछला जरूर थोड़ा सा रिवाइज करती होती हूँ, उससे एक दो क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ पहले सारा रिवाइज करके, ठीक है, मैं किसी से भी पूछ लूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सरेस, ठीक है, एक बन दो तीन लेक्चर के बाद बेशक पूछ लूँ, पता चले दो लेक्चर के बाद बेचारा सारा भूला हो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सरेस, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस एंड रेंज फॉलोइंग एक्सरेस, अच्छा बताओ हाउ एक्सरेस आर प्रोड्यूस थ्रू कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस, ठीक है, इसी तरह ब्रेमस्ट्रॉलिंग एक्सरेस, एटॉमिक नंबर क्यों जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो टारगेट एटम का हमें इतना चाहिए होता है, या मेल्टिंग पॉइंट क्यों इतना चाहिए होता है, ठीक है, व्हाट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट, वो हमने वहां पे लिखा हुआ है कितना मेल्टिंग पॉइंट है, एटॉमिक नंबर कितना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन ही क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर ट्यूब का फेलियर हो रहा है तो कैसे हम बचा सकते हैं ट्यूब फेलियर को, या ट्यूब की लाइफ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो चार पांच पॉइंट्स, ठीक है, लास्ट वाली स्लाइड वाले साथ साथ पढ़ो, लास्ट पार्टिसिपेशन के अगर मार्क्स 10 में से 10 लेने हैं तो ओके मैम, ओके मैम, ठीक है, बार बार कह रही हूँ होश में रहना, ये ना हो कि मैं किसी का भी नाम लूँ और वो बच्चा सोया हो तो मैंने वहीं पे 0 लगा देने हैं, ठीक है, ओके मैम, ओके। इसके अलावा जो है आप लोगों की अटेंडेंस जब लगती है ना, कुछ बच्चे कहते हैं भाई हमारी एब्सेंट लगी हुई है, हमारे पास ना सारा जूम का रिकॉर्ड आ जाता है कि बच्चा जो है वो कितना टाइम से कितने टाइम के लिए वो वहाँ पे उसने लेक्चर लिया है, ठीक है, उसके ड्यूरेशन टाइम का आ रहा होता है, समटाइम्स कुछ बच्चे सिर्फ लेस देन 15 मिनट्स के लिए आए होते हैं क्लास में, तो उनकी एब्सेंट लगती है, ठीक है, वो सिर्फ आके और सिर्फ अटेंडेंस सिर्फ अपना प्रेजेंट शो करने के लिए चले जाते हैं, तो वो हमारे पास टाइम आ रहा होता है, अगर किसी ने 15 मिनट से कम लेक्चर लिया तो उसकी एब्सेंट लगेगी, वो भी चीज आप देखते रहना, ठीक हो गया मैम, लास्ट लेक्चर में एक्सट्रा ट्यूब फेलियर का सेकंड पॉइंट समझाते हैं, क्या था सेकंड पॉइंट है, मुझे तो याद भी नहीं है हमको, मैम मेंटेनिंग एनोड एट एलिवेटेड टेंपरेचर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, आप साथ साथ सेकंड लेक्चर पढ़ रही हो, इतना असर ले नो मैम, वो कल पढ़ा था तो इस वजह से मैंने उसमें से क्वेश्चन जो था मुझे करना था, तो वो इस वजह से मैंने कहा था कि आप जब सब कुछ पढ़ा दें तो फिर मैं करूंगी क्वेश्चन, अच्छा अच्छा, इसमें कौन सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट
मेंटेनिंग द एनोड एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड. ठीक है, एनोड का जो टेम्परेचर होता है ना, एनोड का टेम्परेचर, उसका हम लोग टेम्परेचर रेज रखते हैं. ठीक है, क्यों? जब हमारे पास वो इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास पता है कि पहले ही हीट जो है वो उसमें से रिलीज होगी जब इंटरेक्ट करेगा, तो उसका जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन बेसिकली एनोड, आप किस तरह मैं समझाऊं, जो उसका एनोड है ना वो उसका टंगस्टन मटीरियल ही था ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास कितना था, 3410. ठीक है, इतना ही तकरीबन था. तो उसका ये मतलब है कि अगर टेम्परेचर जो है वो इतना हाई हो भी गया तो डेट विल नॉट इफेक्ट द एनोड साइड. तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी हम लोग एलिवेटेड ही रखते हैं फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड. ठीक है, तो अगली लाइन अगर इसी को दोबारा, इसी की जो अगली लाइन है ना वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी. उसको समझने के लिए कि हाई टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट टंगस्टन एटम्स आर वेपोराइज्ड स्लोली, क्योंकि टंगस्टन जो है वो एनोड साइड है, जब उसके अंदर एनर्जी वो हीट इतनी ज्यादा इतने टाइम के लिए निकल रही है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो हमारे पास वहां पे वेपोराइजेशन हो जाएगी टंगस्टन मटीरियल की स्लोली, और वो ऊपर डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएंगे ग्लास के इंक्लोजर, जो भी हमारा मेटल या ग्लास होगा उसकी जो वॉल होगी उसके साथ ऊपर डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो मेंटेनिंग द एनोड एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड, ये जो जो है ना वो हमारा एक्सरे ट्यूब फेलियर में काम कर सकता है. डेट मीन्स ये फेलियर के पॉइंट्स है. तो हम लोगों ने इतनी देर तक उसका टेम्परेचर हाई नहीं रखना, बिकॉज उसने वेपोरेट कर देना है टंगस्टन के मटीरियल को. ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर अपनी वर्डिंग में समझाऊं, तो हमने ना एक्सरेज क्या होते हैं, स्टैटिक इनर्जी, स्टैटिक जो होते हैं ना इमेजिंग होती है. क्या होता है कि हमने एक इमेज लिया एक्सरेज को, और हमारे पास जिस तरह समझो ना एक बटन दबाया, एक्सरेज रिलीज हुए, इमेज आ गया. लेकिन जो फ्लोरोस्कोपी होती है ना, फ्लोरोस्कोपी के अंदर ये पॉइंट बड़ा क्लियरली आपको समझ आएगा कि फ्लोरोस्कोपी के अंदर हमने थोड़ी देर के लिए एक्सरेज को रिलीज करना होता है, क्योंकि हमने मूवी देखनी होती है. ठीक है, हम वो उस बटन को दबाई रखेंगे कि एक्सरेज रिलीज होते जाए, और एक्सरेज रिलीज होने की वजह से हमें थोड़ी देर के लिए वो एक्सरेज मूवी की फॉर्म में नजर आए. समटाइम्स ऐसे होता है कि हम कितनी देर के लिए एक्सरेज को नहीं जो है ना क्या कह सकते हैं, वो बटन दबा के रख सकते हैं, हम लोग हर वक्त उसको मूवी नहीं देख सकते हैं. जब भी हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं ना, हम थोड़ी फ्यू सेकेंड्स के लिए, 3 to 4 seconds, अब देखा डाय कहाँ पहुंच गया, ठीक है, थोड़ी देर बाद अब हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं, हम लोगों ने उसके अंदर कैथेटर इंसर्ट किया, ठीक, फिर हम थोड़ी देर बाद एक्सरेज को जो है ना उसकी मूवी देखेंगे. हम हर वक्त लगाए रखेंगे ना, उससे क्या होगा कि उसमें से एक्सरेज प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, एक नंबर तो वो तो हमारे जो है ना पेशेंट की को हार्म करेगा. ठीक है, इतनी ज्यादा उसको एक्सरेज मिल रहे हैं. दूसरा ये कि वो ट्यूब को फेल कर देगा. ठीक, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा, इतने टाइम के लिए वो रेज हो जाएगा, एनोड जो है वो उसके उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और वो हमारे पास ट्यूब फेलियर में जो है वो ट्यूब फेल हो जाएगी उसकी, अगर उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई करेंगे. ठीक है, एक्सरेज में क्या होता है, एक दफा रिलीज किया फिर वो बस इमेज ले लिया, वो दोबारा से ठंडा हो गया. ठीक, अगर हम कंटिन्यूस उसमें से प्रोडक्शन करवा रहे हैं एक्सरे की, ठीक, उसमें क्या होगा, हीट अप हो जाएगी हमारे एनोड साइड, और पहले ही हमें पता है 99% उसमें से एनोड से जो है वो हीट निकल रही है. अगर एलिवेटेड टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो क्या करेगा, टंगस्टन के जो डिपॉजिट्स हैं वो ज्यादा ऊपर होना शुरू हो जाएंगे उसके ग्लास के अंदर, हमारा हीट अप होने की वजह से और टंगस्टन का जो मटीरियल से हमारे डिपॉजिट्स निकल रहे हैं वो हमारे होने की वजह से ट्यूब फेल हो सकती है. बात क्लियर है कि हाँ, तो ज्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए एनोड का हम नहीं कर सकते, दैट विल कॉज ट्यूब फेलियर. क्लियर है? नहीं क्लियर तो दोबारा पूछो. नहीं मैम क्लियर है. ठीक है, ये फ्लोरोस्कोपी के अंदर होता है. फ्लोरोस्कोप एक दफा मुझे याद है, मैं ट्रेनिंग पे गई थी शेख जायद हॉस्पिटल, हम उस वक्त इंटर्नशिप कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि वहां पे ना हमें जो है ना इतनी देर के लिए एक्सरेज को नहीं, वो क्या कहते हैं, जब ये प्रैक्टिकल काम आप करोगे ना, प्रैक्टिकल चीजें और चीजें नजर आ रही हैं. अभी तो हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं. उसमें क्या हुआ कि ना जो वो हमारे पास लेड शील्ड होती है ना, उसके पीछे बैठे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास एंडोस्कोपी का एक प्रोसीजर हो रहा था वहां पे शेख जायद में ना. तो एंडोस्कोपी के प्रोसीजर में उन्होंने साथ में फ्लोरो भी देखनी थी, उन्होंने कोई डाया इंजेक्ट किया हुआ था और साथ में ना वो साथ साथ वो भी देख रहे थे. अच्छा, वो वहां से ना मेरे साथ एक नर्स बैठी हुई थी जो जो कंट्रोल कर रही थी. वहां से डॉक्टर्स आवाज देते थे कि वो सिर्फ यस बोलते थे, यस
मतलब कि अब जो है ना एक्सरे हमें दिखाओ मूवी, वो जो है साथ उनकी स्क्रीन लगी होती थी, वो देखते होते थे कि बस इतना इतना देखना है, फिर उसके बाद वो जैसे ही 3 या 4 सेकंड के बाद उसने रिलीज करना था अपना पाउंड, ऐसे ना नीचे पैडल सा लगा होता था उसको दबाते थे, एक्सरेज निकलते थे, फिर उसने रिलीज कर देना था 3-4 सेकंड के बाद। ठीक है, अच्छा मैं काफी दिनों से वहां जा रही थी इंटर्नशिप के लिए, ठीक दूसरे डिपार्टमेंट में तो थी, जब इधर गई ना तो वो मुझे नर्स कहती है अच्छा चलो आप यहाँ पे बैठो, मैं ना बस थोड़ी देर के लिए, जैसे ही डॉक्टर कहेंगे ना यस आपने ना बस ये नहीं बता के गई कि कितने टाइम के बाद जो है ना पाँव हटाना है। अब जो है ना डॉक्टर उसने बोला यस, मैंने बड़े मजे से ना पैडल के पाँव रख दिया, वो एक्सरसाइज निकले जा रहे। अब वो कह रहे हैं यस, मतलब वो मुझे समझना इस बात की कि बस करो कि रिलीज हो गए इतने एक्सरसाइज, अगले बंदे को तुमने भून के रख देना इतने एक्सरसाइज रिलीज हो गए। फिर वहां से एक बंदा आया, उसने मुझे बताया कि ऐसे नहीं करते होते, बस थोड़े थोड़े सेकंड्स के बाद हमने एक्सरसाइज दिखाने होते हैं, थोड़ी थोड़ी मूवी। अब कंटिन्यूस हम मूवी देख रहे हैं उसके एक्सरसाइज के, उसमें क्या हो गया इतनी ज्यादा एक्सरसाइज प्रोड्यूस हो रही है, पेशेंट जो है ना इतनी ज्यादा एक्सरसाइज उसको मिली ना, उसको डोज तो पेशेंट भी बस गया और फिर उसके बाद आप भी गए। ठीक है, और उसके अलावा इतनी ज्यादा जब हम एक्सरसाइज की प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सरे ट्यूब का जो वो फेलियर होगा ही होगा। ठीक है, इतनी ज्यादा हीट अप हो रही है वो, तो बार बार रिलीज करना होता है, थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज निकाले फिर उसके बाद रिलीज कर दिए। ठीक है, बात समझ आ गई है? यस मैम। चलो ठीक है, अब ये फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो गई है, फिर मैं कह रही हूँ होश में रहना, मैं लेक्चर आपके जो है ना आपका क्लास पार्ट, और बाद में मुझे ना कोई कहे कि मैं ये मेरी ये वजह थी तो मेरा ये वजह था तो मेरा ये हो गया तो वो हो गया, बच्चों के पास एक्सक्यूजेस तो एक से एक होते हैं। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है ना एक्सरेज के इंटरप्रिटेशन और उसकी पोजिशनिंग और वो सारी चीजें पढ़ेंगे, आप क्लिनिकल साइड की तरफ आना शुरू होंगे हम लोग, तो फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चलो अब लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।